देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे बारंबारता बहुभुज। यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगंस, ठीक है। देखिए बारंबारता बहुभुज के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसे इससे पहले पढ़े थे आयत चित्र, पढ़े थे ना, वही आयत मतलब आपको उतना क्रिया करना है, आयत चित्र तक क्रिया करना है, आयत चित्र के बाद आपको छोटा सा क्रिया और करना है। तो पहले हम लोग एक बार आयत चित्र बनाते हैं, आयत चित्र के बाद जो है एक और क्रिया करेंगे, ठीक है, जिसके बाद आप ये बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं। आप बिना आयत चित्र के भी बना सकते हैं, तो दोनों तरीके हम आपको बता रहे हैं, एक आयत चित्र के माध्यम से आप बना सकते हैं और दूसरा बिना आयत चित्र बनाते हुए भी आप बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी आयत चित्र के माध्यम से जो है बारंबारता बहुभुज बनाना सीखेंगे, ठीक है। देखिएगा, देखिए ये तो आपका क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक, ठीक है, किसी कक्षा के 51 स्टूडेंट द्वारा एक विषय में प्राप्त किए गए अंक। देखिए तो 0 से 10, इसको समझ में आ रहा है ना, आपको समझाया थे शुरू में कि यहाँ जो होता है ये जो वर्ग अंतराल बनता है यहाँ 0 से ज्यादा और 10 से कम ना, तो 0 से लेकर 10 से कम अंक लाने वाले स्टूडेंट जो है कितना है, 5 अंक, ठीक है। फिर इसके बाद 10 से लेकर 20 से कम अंक लाने वाले स्टूडेंट कितना है, 10। और इसी तरीके से अंक जो आपका आया है, जितने स्टूडेंट है उसका यहाँ पर पूरा डाटा तैयार है। सबसे पहले हम लोग इस डाटा का आयत चित्र बनाएंगे, ठीक है। आयत चित्र बनाने के लिए आपको दो अक्ष बनाने की जरूरत होती है, देख लीजिएगा यहाँ पर ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष ऐसा बनेगा, दो अक्ष आपका, इस पर हम लोग एक्स अक्ष पर लिखते हैं वर्गंतराल को, तो वर्गंतराल के रूप में यहाँ अंक लिखा हुआ है ना, ये आपका अंक आएगा 0 से लेकर। आपको बता दिए थे कि आप समान दूरी को, यानी आपका जो ग्राफ पेपर का एक घर होता है, ठीक ना, उसमें पतली पतली महीन लाइनें 10 को होती है, ठीक ना, और बीच में थोड़ी सी मतलब मोटी लाइन होती है 5 पर बना हुआ, तो एक वो वर्गाकार घर को आप अपने हिसाब से, जैसा आपका यहाँ आंकड़ा दिख रहा हो उसके हिसाब से जो है आप मान सकते हैं। यदि अंतराल यहाँ देखिए 0 से 10 का चल रहा है, 10 से 20 का, यानी 10-10 का अंतराल चल रहा है, तो फिर आप यहाँ 10 का अंतराल लेकर चलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए हम 10 का अंतराल ले लेते हैं, यानी एक घर बराबर आपको 10 मानना है, ये तो व्हाइट बोर्ड है ना, तो आपको ग्राफ पेपर पर बराबर बराबर मान देखने को मिलेगा। देखिएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ना, ये हो गया। और इधर जो आपका लिखा हुआ था वाई एक्स पर क्या, विद्यार्थियों की संख्या, ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, आप देखिए विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा कितना तक है, 10 तक। तो आप इसकी संख्या को अपने हिसाब से, यदि संख्या ज्यादा रहेगा स्टूडेंट का तो फिर आप उसके अनुसार से अंतराल बराबर बराबर मान सकते हैं, ठीक ना। यहाँ तो 10 स्टूडेंट है तो आप एक एक अंतराल लेके भी चल सकते हैं, 50 स्टूडेंट रहता तो आप फिर 5-5 का अंतराल लेते हैं, वो आप अपना बराबर बराबर अंतराल लेके चलेंगे, जो भी होगा बराबर बराबर चलेगा। यहाँ भी हम एक का अंतराल ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर कितना, 10, ठीक है। अब समझिएगा, अब यहाँ आपके सामने ये देखिए है ना, डाटा बना हुआ है और इससे आपको देखना है क्या, देखिए 0 से 10 तक, यानी 0 से 10 से कम तक की संख्या कितना है आपका, 5 ना है, यस सर। तो देखिए आप जो आंकड़ा बनाएंगे 10 तक नहीं जाएंगे, 10 से तनिए कम रहेंगे, 10 से थोड़ा सा कम रहेंगे। इसका क्या मतलब है कि यहाँ 10 जो होगा इसमें आएगा ना 10 वाला में, कि इसमें जो है 10 से कम तक अंक है और इस 0 से 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने स्टूडेंट है, 5 गुना। यहां देखिएगा
कोशिश करेंगे कि ये आंकड़ा जो है आपका एकदम थोड़ा सा कम, यहाँ पर ज्यादा कम हो गया, एकदम थोड़ा सा इधर रखना है, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा इधर, ठीक है। फिर देखिए 10 से 20 से मतलब 10 से लेकर 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने स्टूडेंट है, 10। देखिएगा यहाँ 10 स्टूडेंट है तो 10 तो यहाँ चला जाएगा, ऐसे करके 20 से कम है तो 20 से थोड़ा सा कम रखेंगे, थोड़ा सा कम एकदम थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, ज्यादा कम हो गया, थोड़ा सा कम रखेंगे। अब समझिएगा फिर अगला कितना है, 4 ना, देखिए ये 4 यहाँ है आपका, ये 4 है आपका, ऐसे फिर इसके बाद कितना है 6, 30 से 40 यानी 6, 30 से 40 में 6 तो 6 यहाँ है ना, ये 6, ऐसे करके जाएंगे। इसके बाद 40 से 50 यानी 7, थोड़ा सा ऊपर ना, थोड़ा सा ऊपर, इसके बाद 50 से 60 यानी 3 यहां, ये काम आप ग्राफ पेपर पर बहुत ही सावधानी से कर सकते हैं और बहुत आसान होता है वहां पर। 60 से 70 यानी 2, 60 से 70 यानी 2, यहाँ 2 स्टूडेंट है 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले, 2 स्टूडेंट है तो यहाँ आ जाएगा आपका 2, और फिर भी उसके बाद 70 से 80 2 है, अस्सी से 90 आपका 3 है, 90 से 100 आपका 9 है, यहाँ है ना, देख लीजिएगा यहाँ बराबर में चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि सीधा सीधा बन जाए, पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा, ये तो व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पेंट ना, तो आप इसको पेंट कर सकते हैं, देखिएगा ऐसे करके इसको आप पेंट कर सकते हैं इस तरीके से, ये भी था ना, देख लीजिएगा इसके बाद। अब देखिए क्या करना है कि यहां जो देख रहे हैं 0 से 10 का अंतराल चल रहा है ना, आपको एक अंतराल जो है इससे और पीछे आ जाना है, बताइए तो 10 के अंतराल में चलेंगे तो इधर माइनस वाला में चलेंगे ना, क्या लिखेंगे, माइनस 10, एक अंतराल यहां बनेगा आपका माइनस 10 का, ठीक है। अब क्या करना है कि उसमें देखिएगा कि जैसे एक से ले ये एक घर हुआ ना, एक घर के बीच में जो है पतली पतली महीन लाइन 10 को होगी, ठीक ना, और उसके ठीक बीच में एक पांचवा लाइन जो होगा थोड़ा सा मोटा होगा, तो आप उस बीच वाले लाइन पर ऐसे बिंदी लगा देंगे, ऐसे चिन्ह लगा देंगे हर एक में, देखिए इसमें भी बीच वाले लाइन पर ऐसे चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, बीच में एकदम ठीक बीच वाले में, ऐसे बीच में, बातें समझ में आ रही है, एकदम बीच में, एकदम बीच में ऐसे लगा देंगे, बीच में, ठीक बीच में, इधर उधर नहीं लगाना है, ठीक बीच में, ठीक। और इधर भी एक आपको और मतलब बढ़ जाना है अंतराल, यहां बढ़ के आपका हो जाएगा 110, और इधर भी ठीक बीच में एक आपको बिंदी लगा देना, आप चाहे तो इसका नामकरण भी कर सकते हैं, नामकरण तो बाद में करेंगे। अब क्या करना है कि इसको आप सभी बिंदु को जो बीच में बिंदु जितना लगाया है ना सब बिंदु को मिला देना है, ठीक है, केवल सभी बिंदु को मिलाना है, आइए मिला लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मिला लिए। अब
इसको दूसरे कलर से मिलाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है सब, तो एक ही कलर में हो गया ना। बस आप समझ गए ना कि क्या कर रहे हैं सर। ये ठीक बीच बीच में जो है, आप इस बीच वाले जितना भी पॉइंट है सब बीच वाले पॉइंट को आप इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे सही तरीके से। आपका ये आयतचित्र बन के तैयार है सर। ये क्या बोल रहे थे, बारह मार्ता बन गए, ये बन के तैयार है आपका। ये हो जाएगा आपका ए, नामकरण कर सकते हैं बी सी डी ई एफ, ये हो गया आपका जी एच आई जे के, और यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बन गया बारंबारता बहुभुज, ठीक। अब बीच में उसी तरीके से चिन्ह लगाकर और बाड़ी बाड़ी से सबको मिला दीजिए, ठीक है। नोट कर दीजिए, इसको नोट कीजिए। इसी का हम लोग सेकेंड मेथड की बात करते हैं। देखिए, यानी बिना आयत चित्र के आप कैसे बना सकते हैं बारंबारता बहुभुज, इस विषय पर चर्चा करेंगे अभी हम लोग। देखिए, आपको बिना आयत चित्र का यदि बारंबारता बहुभुज बनाना है तो इसके लिए आपको निकालना होगा वर्ग चिन्ह। क्या निकालना होगा, आप पूछेगा कि वर्ग चिन्ह क्या है। तो वर्ग चिन्ह जो होता है, वो जो अंतराल आप देख रहे हैं, ये अंतराल दिख रहा है ना आपको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यदि आप दोनों अंतराल को जोड़कर इसके, ये जो शुरू वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग निम्न सीमा, और इसको बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है। यानी दोनों को जोड़कर यदि आप 2 से भाग करते हैं, ठीक ना, तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका वर्ग चिन्ह कहलाएगा, ठीक। तो देखिए, हम इसके लिए आपका वर्ग चिन्ह निकालते हैं। अभी पहले आपको वर्ग चिन्ह निकालने की जरूरत होगी, इसके बाद हम लोग इस पर आगे कार्य करेंगे। और आपको यहाँ बता दें कि वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला यहाँ लिख भी देते हैं हम। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला जो होता है आपका, यानी ऊपरी सीमा या उच्च सीमा कह सकते हैं उसको, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटा में आपका आ जाएगा कितना, 2। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। ये देख लीजिए वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। तो आप बताइए, ये 0 से 10 तक का जो अंतराल है, इस अंतराल का जो है आपका वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10, 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 5। यहाँ लिखेंगे 5। 20 से 30 का जो अंतराल है तो जोड़ेंगे 30, और 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 ना, इसका हो जाएगा आपका 15। और ऐसे ही 10 के अंतराल पर जब बढ़ रहा है तो इसको भी आप 10 के अंतराल से बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं है। 15 10 25, 25 10 35, 45 55 65 75 75 के बाद कितना होगा, 85। देखिएगा भी कितना हो जाएगा, 90 यानी 95 तक जाएगा ना। 190 में यदि आप 2 से भाग करेंगे तो कितना, 95 तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया वर्ग चिन्ह। अब जब वर्ग चिन्ह बन गया तो आपको आयत चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसका बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं। देखिए, बारंबारता बहुभुज कैसे बना सकते हैं, फिर से x अक्ष y अक्ष का निर्माण करेंगे, गौर से समझिएगा। इधर हम लोग लिखेंगे वर्ग चिन्ह, पहले वर्ग अंतराल लिखते थे ना, अब की बार लिखेंगे वर्ग चिन्ह। क्या लिखेंगे, वर्ग चिन्ह, यानी x अक्ष पर लिखेंगे वर्ग चिन्ह, ठीक है। और इधर जो आप देख रहे हैं y अक्ष, इस y अक्ष पर लिखेंगे हम लोग वही विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या, देखिए वर्ग चिन्ह कितना से स्टार्ट हुआ है, 5 से ना, आप इसको लिख सकते हैं 0 से 5। देखिएगा, पहला अंतराल आपका छोटा होगा, 0 से 5, 5 का अंतराल हो रहा है ना, 5 का अंतराल हो रहा है तो ये थोड़ा सा छोटा होगा। इसके बाद 10 का अंतराल है तो 10 का अंतराल तो एक सेम हो जाएगा ना, 10 का अंतराल बराबर बराबर, ये आपका हो जाएगा। फिर 15 के बाद कितना, 25 35 45 55 65 75 85 95 ठीक है।
इधर विद्यार्थियों की संख्या तो 10 तक लिखना है आपको, ज्यादा से ज्यादा 10 स्टूडेंट है ना, देख लीजिएगा। ये 10 स्टूडेंट है आपका। अब बताइए करना क्या है, देखिए 5 वर्ग चिन्ह 5 और विद्यार्थियों की संख्या कितना 5, यानी यही आपको 5 के सामने 5 पर। पहले ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट तो आपको करना है यहाँ से, इधर से ना, मैंने आप यहाँ चले, यहाँ पर बिंदी लगा दीजिए, हो गया। फिर इसके बाद 15 के सामने 10 पर, 15 के सामने 10 पर जाइए, ये 15 के सामने 10 पर यहाँ होगा, थोड़ा सा ग्राफ पेपर होगा तो आपको पूरा स्पष्ट समझ में आएगा कौन से बिंदु कहाँ रखना है। फिर 25 के सामने 4 पर जाइए, ये 25 है ना, 25 के सामने 4 पर जाना है आपको, यानी यहाँ जाना है ये। इसके बाद आपको जाना है 35 के सामने कितना 6 पर, यानी 35 के सामने जाना है 6 पर, ये 35 और इसके सामने आपको 6 पर जाना है, तो यहाँ जाना होगा। इसके बाद आपको जाना है 45 के सामने कितना 7 पर, ये 45 और इसके सामने 7 पर जाना है, देख लीजिएगा ये 7 पर, यानी आपको यहाँ जाना होगा। इसके बाद आपको जाना है कितना 55 के सामने जाना है 3 पर, ये 55 है और 55 के सामने 3 पर जाना है आपको, तो यहाँ जाना होगा, ये घेर भी सकते हैं इसको दिखेगा। फिर आपका 65 के सामने जाना है 2 पर, ये 65 है ना और यहाँ से 2 पर जाना है, तो यहाँ जाएंगे आप। 75 के सामने भी शायद 2 पर ही जाना होगा, ये देख लीजिए। 85 के सामने जाना है 9 पर, यानी 85 के सामने 9 पर, 9 बोले तो इसी के सामने, यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे करके दिखाएं तो थोड़ा सा डॉट लाइन से यहाँ तक आएगा ना, ये 85 के सामने 9 पर, 85 के सामने 3 पर जाना है ना, सॉरी 85 के सामने जाना है आपको 3 पर, तो 85 के सामने 3 पर यहाँ है ना, ये देख लीजिएगा 3, ऐसे मिल जाएगा 3, एक और 3 पर था ना अभी 4 से 7 वाला, ये 55 वाला 3 पर है ना, 55 वाला 3 पर थोड़ा सा ऊपर होगा ना, ठीक है। फिर 85 के सामने 3 पर जाना तो यही आएंगे, और 95 के सामने आपको 9 पर जाना है, यहाँ देखिए 9 ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा, तो ये आपका 9 यहाँ पर जाएगा ना। फिर से वही बात, इसका इधर वाला जो पार्ट होगा आपका, देखिए यहाँ 0 है और इधर -10 आएगा, तो उसको भाग करेंगे कितना -5 आएगा ना, ठीक, यानी आपका -5 वाला पार्ट तो यहाँ होगा आधा पर, 10 वाला यहाँ होगा तो -5 वाला यहाँ होगा आपका, ठीक। आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, देखिएगा ऐसे करके, जिस तरीके से आपका जो कर्व बन रहा हो आप बनाते चलेंगे बारी बारी से, ऐसे ठीक है, इस तरीके से, और लास्ट में इसको यहां पर लाके मिला देना है ना, और 95 के बाद भी स्टेप आपका होगा 105, और यहाँ जो आपका है यहाँ आएगा 105 और इस पर आपको मिला देना है, ठीक है, देख लीजिए। ये जो है आपका बिना आयत चित्र का बन गया बारंबारता बहुभुज। देखिए दोनों सेम बातें हैं, आप यदि उस बात को समझे जो हम आपको पहले बताए थे और इस बात को समझे तो आपको लगेगा कि दोनों बराबर ही है। क्या बोले थे कि -10 और 0 के बीच में आपको एक बिंदु लगाना था, -5 पर लगाए थे उस समय, अभी -5 पर ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि उसको हमने निकाला वर्ग चिन्ह को, और वर्ग चिन्ह को निकालकर हमने अभी इस तरह का कार्य किया, लेकिन इससे पहले जो हम लोग चले थे वो सिर्फ और सिर्फ बिंदु डाल के चले थे, ठीक है। सेम दोनों कार्य तो बराबर ही है, हम आपको -10 और 0 के बीच में बोले थे बिंदु लगाने के लिए तो -5 पर लगाए, फिर यहाँ 0 से 10 तक जो अंतराल था उस पर बोले थे आपको बीच में लगाने के लिए तो 5 पर लगाए होंगे, फिर 20 से 30 पर जो आपका अंतर है, सॉरी 10 से 15 का जो 20 का जो अंतराल था उसमें आपको बीच में बोले थे लगाने के लिए तो 15 पर लगाए होंगे बिंदु आप, ठीक है। और वही बात यहाँ भी लिखी है, और बारी बारी से सबको क्या कर देना, आपको मिला देना है, इस तरीके से आपका बन जाएगा बारंबारता बहुभुज, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।